हेलो स्टूडेंट्स इन दिस सेशन वी विल डू वेक्टर्स एंड व्हाट थ्री दो कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर्स नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड बॉक्स प्रोडक्ट इफ ए बार इज ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के बी बार इज टिम्बर टिम्ब टिम्बर सी बार इज टिंबर टिम्ब टिंबर दिस आर थ्री वैक्टर्स देन ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार और बॉक्स में ए बार बी बार सी बार दिस इज वॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसका वैल्यू कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ वर्ड वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री ये सबको पता है इट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आंसर स्केलर है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसमें प्रॉपर्टीज है वॉट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज इन द पोजिशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंज किया है विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट

ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार हाउ मच इज ए बार क्रॉस बी बार इट इज माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार ये वेक्टर्स इंटरचेंज हो गया मतलब सी ए बी नहीं सी बी ए आया तो आपका साइकिल देखिए साइकिल क्या रहता है ए बी सी C A एंड C A B कोई भी साइकिल उल्टा हो गया तो समझ जाना है कि साइन विल बी वॉट नेगेटिव If three vectors are coplanar, their scalar triple product is equal to what? 0 or one vector is expressed as what? Linear combination of other two vectors if one vector is expressed as linear combination of other two vectors then also the vectors are what coplanar or their scalar triple product is equal to 0 one vector is expressed as what any one vector is expressed as what linear combination of other two vectors volume of the parallelepiped with coterminous edges a bar b bar c bar or concurrent edges what is the formula it is scalar triple product of 3

i j k this is always equal to what 1 because it will be i dot j cross k how much is j cross k i and how much is i dot i 1 please remember this is also into scalar triple product of i j k but what is scalar triple product of i j k it is equal to 1 डॉट प्रोडक्ट भी अगर सेम सेम रहेगा डॉट प्रोडक्ट का सेम सेम क्या हो जाता है स्क्वायर क्रॉस प्रोडक्ट सेम सेम इज हाउ मच जीरो क्रॉस प्रोडक्ट सेम सेम इज जीरो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम सेम इज आल्सो इक्वल टू जीरो क्रॉस प्रोडक्ट सेम सेम रहेगा तो इट इज जीरो बार डॉट प्रोडक्ट सेम सेम रहेगा इट इज हाउ मच स्क्वायर प्लीज रिमेंबर द वैल्यू ऑफ आई जे के दिस इज इक्वल टू वन आई डॉ जे क्रॉस के दिस इज इक्वल टू वन तो ये वो ही किया है हम लोग ने यहां पर क्या किया है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बार बी बार एंड सी बार इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे आपको समझ जाएगा क्या है वो नेक्स्ट ए बार बी बार सी बार into u v w this means what a bar dot b bar cross c bar into u bar dot v bar cross w bar. Correct na ito scalar this answer also scalar. Scalar into scalar is what? Scalar. It is what? A dot u b dot u c dot u in the first row then a dot v b dot v c dot v in the second row a dot u sorry a dot W B dot W C dot W. This is determinant of this. If four points A bar B bar C bar D bar are coplanar, then D B C D C A D A B. They D B C, D C A D A B that is equal to A bar B bar C bar. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस में नहीं है महाराष्ट्र बोर्ड के फिर भी याद रखिए ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार प्लीज रिमेंबर इसको अगर आपने वन वेक्टर दिया इसको टू और इसको थ्री वॉट इज द फॉर्मूला वन थ्री टू माइनस वन टू थ्री प्लीज रिमेंबर वॉट इज द फॉर्मूला वन थ्री टू माइनस वन टू थ्री ओके दिस इज वेक्टर नंबर वन दिस इज वेक्टर नंबर टू दिस इज वेक्टर नंबर थ्री वॉट इज द फॉर्मूला 1 3 2 minus 1 2 3 okay 1 2 3 what is the formula 1 dot 3 into 2 minus 1 dot 2 into 3 1 3 2 minus 1 2 3 using that a bar cross b bar b bar cross c bar c bar cross a bar inca scalar triple product is a bar b bar c bar the होल स्क्वायर। ए बार क्रॉस बी बार बी बार क्रॉस सी बार सी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार द होल पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार डी बार आर कोप्लेन इफ एंड ओनली इफ देर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू नॉट ऑल जीरो सच दैट एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार प्लस डब्ल्यू डी बार इक्वल टू जीरो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू दिस इज इक्वल टू वॉट जीरो इंडिविजुअली ये लोग जीरो नहीं है इंडिविजुअली नॉट ऑल जीरो बट उनकावल टू जीरो वॉट इज द फॉर्मुला फॉर इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड वॉट इज एक्स वाई जेड लेंथस ऑफ साइड बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ए बी सी आपको भी मालूम है ये है एक्स ये है वाई ये है जेड तो एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्रॉड्रॉन ए बी सी डी इज वॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार अपॉन फोर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होता है उसके ऊपर टोपी डाली है प्रोजेक्शन किसके ऊपर हो रहा है बी बार तो इट इज वॉट बी कैप डॉट ए बार वॉट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार जिसके ऊपर होता उसके ऊपर टोपी किधर हो रहा है प्रोजेक्शन ए बार के ऊपर तो दिस विल बिकम बी बार डॉट ए बार अपॉन बी एंड दिस विल बिकम ऑल्सो ए बार डॉट बी बार अपॉन ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी अभी ढक्कन ये

एरिया ऑफ द पैरालोलोग्राम विध एडजन साइड दिया रहेगा ए बार बी बार इट इज वॉट मैग्निट्यूड बी बार अगर डायगोनल दिया रहेगा इट इज हाफ ऑफ ए बार क्रॉस बार एरिया ऑफ द भी अगर उन्होंने पूछा है तो सेम फॉर्मूला विद डायगोनल गिवन इट विल बी हाफ ए बार क्रॉस बी बार ठीक है दिस आर ऑल स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़े थोड़े चिंदी चिंदी प्रॉब्लम करेंगे ऑन वॉट वेक्टर्स देखिए वॉट इज गिवन it is given 2a bar plus 3b bar equal to 5c bar find the ratio in which c divides ab so how much will be c bar 2a bar plus 3b bar upon 5 5 को आप क्या लिख सकते हो 2 plus 3 तो so आप लिख सकते हो c divides ab प्लस साइन रहेगा तो इंटरनली बीच में माइनस साइन रहेगा तो एक्सटर्नली इंटरनली इन द रेशियो देखिए ए बी दिया है तो बी के बाजू वाला पहला लेना है ये क्या दिया है ए बी तो बी के बाजू वाला क्या है थ्री तो इन द रेशियो थ्री इज टू झेपरा क्या ए बी दिया है ना भैया ए बी दिया है तो बी के बाजू वाला पहला लेना है इतना याद रखो अगर इधर बी ए दिया रहता तो बी ए इन द रेशियो तो बी ए ए बाद में आ रहा है तो रेशियो क्या हो जाता था टू थ्री नहीं समझ रहा है वेरी गुड अगर ए डिवाइड बोला है तो ए को एक साइड में रखो दिस विल बिकम फाइव सी बार माइनस थ्री बी बार तो हाउ मच विल बी ए बार 5c बार माइनस थ्री बार अपॉन 2 2 को आप लोग क्या लिख सकते हो 5 माइनस थ्री तो ए डिवाइड bc, बीच में साइन क्या है माइनस तो ये क्या हो जाएगा एक्सटर्नली इन द रेशियो रेशियो कैसा करते हैं भैया उल्टा मत करो सी बाद में है तो सी के बाजू वाला पहला तो क्या हो जाएगा रेशियो फाइव टू थ्री ठीक है ना ए डिवाइड बी सी एक्सटर्नली क्यों है क्योंकि बीच में साइन क्या है माइनस इन द रेशियो फाइव इच टू थ्री सिमिलरली थ्री बी बार विल बी फाइव सी बार माइनस टू ए बार तो b बार कितना हो जाएगा 5c बार माइनस टू ए बार अपॉन थ्री थ्री को क्या लिख सकते हैं फाइव माइनस टू तो b डिवाइड सी एक्सटर्नली इन द रेशियो बोलो 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 रेशियो क्या आएगा सी ए बाद में है a बाद में है तो a के बाजू वाला पहला लेना है वॉट विल बी द रेशियो टू इज टू फाइव झेपरा है क्या b डिवाइड्स b डिवाइड सी ए ए के बाजू वाला पहला लेना है टू इस टू फाइव ए डिवाइड बी सी सी का पहला लेना है फाइव इस टू थ्री सी डिवाइड ए बी बी का पहला लेना है थ्री इज टू साइन प्लस रहेगा तो इंटरनल माइनस रहेगा तो एक्सटर्नल नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी पी इज वॉट मिड पॉइंट ऑफ बी सी तो लिख दो भैया पी बार कितना हो जाएगा बी बार प्लस बार Q सी बार अपॉन टू, टू, सी, ए। Q सी ए, टू, टू तो क्यू इंटरनली इन द रेशियो टू आपका Q बार कितना हो जाएगा टू ए बार प्लस सी बार अपॉन थ्री करेक्ट ना क्यू डिवाइड सी ए देखो क्यू डिवाइड सी ए ए का पहला लेना है टू आर डिवाइड ए बी एक्सटर्नली ए बी आर डिवाइड ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो वन टू तो आपका आर बार कितना हो जाएगा बी बार माइनस टू ए बार अपॉन वन माइनस टू यानी माइनस वन झेपरा क्या R divides अभी देखिए आर divides ए बी आर AB ए बी तो B बाजू वाला पहला आता है B के बाजू वाला कितना आता है वन वन इज टू टू झीपा क्या भैया क्या बोल रहा हूं मैं ये तीन डेटा हमको दिया है क्या डेटा मुझे मिला है आप देखिए टू पी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार थ्री क्यू बार इज इक्वल टू टू ए बार प्लस सी बार और क्या है अपने को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आर पार इक्वल टू टू हमको क्या पूछा है इनमें तो रिलेशन चाहिए. इन चाहिए तो मुझे एबीसी को इलिमिनेट करना है क्या इनको मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सी इलिमिनेट हो जाएगा पहले दो इक्वेशन को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा टू पी बार माइनस थ्री क्यू बार देखना भैया इन दोनों को माइनस टू ए बार प्लस सी बार माइनस सी बार कैंसल हाउ मच इज टू ए बार माइनस बी बार टू ए बार माइनस बी बार इज माइनस आर बार तो इसको क्या मिल जाएगा आपको टू पी बार माइनस थ्री क्यू बार इज इक्वल टू माइनस आर बार तो आपका आर बार कितना हो जाएगा थ्री क्यू बार माइनस टू पी बार वन करेक्ट ना थ्री क्यू इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया थ्री क्यू माइनस टू पी अपॉन वन तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आर बार इज थ्री क्यू बार माइनस टू पी बार अपॉन थ्री माइनस टू थ्री माइनस टू अभी क्या हो जाएगा आर डिवाइड पी क्यू बीच में साइन क्या है माइनस एक्सटर्नली इन द रेशियो बोलो बोलो टेल टेल रेशियो क्या आ जाएगा पी क्यू क्यू के बाजू वाला पहला थ्री इज टू टू झेपा क्या क्या किया है मैंने वापिस बड़बड़ करूं क्या डेटा क्या दिया है पी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी मिड पॉइंट फॉर्मूला Q डिवाइड CA ए इंटरनली इन द रेशियो सेक्शन फॉर्मूला आर डिवाइड ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो सेक्शन फॉर्मूला सो दिस थ्री डेटाज आर गिवन मुझे क्या क्या चाहिए R चाहिए P चाहिए Q चाहिए मुझे ए बी सी नहीं चाहिए तो ये तीन इक्वेशन में से मुझे क्या इलिमिनेट करना है ए बी सी और मुझे रिलेशन किस में आना चाहिए P Q एन R में आना चाहिए तो रिलेशन क्या आ गया R बार इज थ्री क्यू बार माइनस टू पी बार अपॉन थ्री माइनस टू बीच में साइन माइनस है तो डिविजन क्या आएगा एक्सटर्नल याद रखिए R डिवाइड्स पी क्यू तो Q के बाजू वाला पहला लेना है जो सेकेंड रहता है उसके बाजू वाला पहला लेना है याद रखिए प्लीज तो द रेशियो विल बी वॉट थ्री इज टू नो कंफ्यूजन क्यू क्यू के बाजू वाला पहला लेना है क्यू के बाजू वाला क्या है थ्री क्योंकि ऑप्शन में रहने वाला है पी क्यू डिवाइड एक्सटर्नली इंटरनली इन द रेशियो थ्री टू टू इज थ्री ऐसे चार ऑप्शन गए याद रखिए उल्टा पुलटा मत कर दिए मैंने ये आपको बोला है जो सेकेंड रहेगा अल्फाबेट उसके बाजू वाला पहला लेना है R डिवाइड्स QP बोलते थे इन द रेशियो टू इजू थ्री बीच का साइन माइनस एक्सटर्नली टिंग टिंग टिटिंग चलिए ये भी आया है बहुत बार सीईटी में वॉट इज द सेगमेंट का दिया है कोऑर्डिनेट्स थ्री फाइव सिक्स एंड फोर सिक्स माइनस थ्री कौन सा प्लेन है वाइजेड प्लेन है वाइजेड प्लेन है वाइजेड प्लेन के ऊपर वाइजेड अरे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो करेक्ट ना एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा जीरो रेशियो फाइंड करने के लिए ऑलवेज लेट द रेशियो बी व्हाट? के इज टू वन कौन सा कोऑर्डिनेट मालूम है आपको एक्स कोऑर्डिनेट तो सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला माहिती है फोर के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन तो जीरो इज इक्वल तो के कितना हो गया माइनस थ्री ठीक है since value of k is what negative yoz plane divides the given segment in the ratio bolo bolo tell tell in the ratio 3 is to 4 externally अगर पॉजिटिव साइन आया के का तो इंटरनल नेगेटिव आया तो एक्सटर्नल पॉजिटिव साइन आया तो इंटरनल नेगेटिव आया तो एक्सटर्नल यहां पे हमेशा कौन सा डिवीजन यूज करना है इंटरनल डिवीजन। ये वाई ओ जेड प्लेन था सो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो लिया सो आई हैव यूज सेक्शन फॉर्मूला फॉर विच कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट दूर देखना है सेक्शन फॉर्मूला बचपन में किया था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन अगर ये जेड एक्स प्लेन देते थे तो मैं वाई कोऑर्डिनेट जीरो लेता था और वाई का फॉर्मूला यूज करता था एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन ऑलवेज यूज इंटरनल डिवीजन के का वैल्यू नेगेटिव आया तो डिवीजन इज एक्सटर्नल पॉजिटिव आया तो डिवीजन इज इंटरनल दिस इज के अपॉन वन दैट इज के टू वन इज हाउ मच थ्री टू फोर समझ गया शायद अभी डिवीजन का नेक्स्ट प्रॉब्लम ये टाइप के प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को करने पड़ेंगे है, आते हैं ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी तो लिख दो ई बार इज ए बार प्लस सी बार अपॉन टू एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी एफ बार इज बी बार प्लस डी बार प्लस लिख ढक्कन अपॉन टू एंड पी इज मिड पॉइंट ऑफ ई एफ तो पी बार विल बी ई बार प्लस एफ बार अपॉन टू जो भी डेटा दिया है पहला लिख दो फाइंड क्या करना है पी ए बार प्लस पीबी बार प्लस पीसी बार प्लस पीडी बार पी ए प्लस पीबी प्लस पिस प्लस पीडी हाउ मच इज पी ए बार ए बार माइनस पी बार पीबी बार बी बार माइनस पी बार पिस्सी बार सी बार माइनस पी बार पीडी बार डी बार माइनस पी बार तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बार प्लस सी बार प्लस बी बार प्लस डी बार माइनस फोर पी बार अबे पी को साथ में ले लिया हम साथ साथ है हम चौदह है हाउ मच इज ए बार प्लस सी बार टू ई बार बी बार प्लस डी बार टू एफ बार माइनस फोर पी बार टू कॉमन ले लिया e बार प्लस एफ बार कितना है टू पी बार माइनस फोर पी बार इनका दोनों का हो गया हैप्पी बर्थडे योर आंसर विल बी हाउ मच जीरो बार ये सब वेक्टर्स 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 वेक्टर है तो आपका आंसर क्या आएगा वेक्टर इट इज वॉट जीरो बार टिंग टिंग टी टिंग ए इज परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज गिवन एंगल बिटवीन टिम्बर टिम्ब इज गिवन फाइंड ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार वॉट इज द फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार क्रॉस सी बार देखिए भैया बी बार और सी बार ये दो वेक्टर्स है इनको परपेंडिकुलर कौन है ए बार लेकिन जो परपेंडिकुलर बी बार और बी बार क्रॉस सी बार को रहता है वो अलोंग बी बार क्रॉस सी बार रहता है वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स इज ऑलवेज प्रोडक्ट. तो ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार मींस ए बार इज पैरेलल टू बी सी बार तो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार क्रॉस सी बार कितना हो जाएगा जीरो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई वन वेरी गुड वॉट इज मैग्निट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार इट विल बी बी सी ऑफ एंगल बिट्वीन बी एंड सी इज गिवन टू बी 2 फाइव बाई 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार थ्री मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार फोर साइन वन ट्वेंटी अपॉन टू टू का हो गया हैप्पी बर्थडे फोर थ्री जुवेल्व रूट थ्री इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बोली है इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार बी बार क्रॉस सी बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार देर फॉर ए बार इज पैरल टू बी बार क्रॉस सी बार छिप रहा है क्या ओके okay. अगर आपको पूछा है यहां लिख देता हूं इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार देन द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिस इज मैग्निट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्निट्यूड ऑफ बी इनटू मैग्निट्यूड ऑफ सी याद रखिए अगर ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बी सी मतलब ए बार बी बार सी बार आर वॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर अगर उल्टा पूछा इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार देन द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज वॉट मैग्नीट्यूड ए इंटू मैगनीट्यूड बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इफ दिस इज गिवन ए बार बी बार एंड सी बार आर वॉट ऑर्थोगोनल वैक्टर्स ऑर्थोगोनल मीन्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑर्थोगोनल मीन्स वॉट परपेंडिकुलर अगला प्रॉब्लम चलते हैं चिंदी प्रॉब्लम है इफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरालो पाइप को टर्मिनस एच जे आर टिम्बर टिम्ब वॉट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द पैरालो पाइप इट इज इक्वल टू हाउ मच ए बार बी बार सी बार का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो ये कितना आ जाएगा माइनस थ्री टू एन टू वन माइनस वन माइनस वन थ्री टू दिस इज गिवन टू बी सेवन याद रखिए इसको लिखना है आपको प्लस और माइनस सेवन ये प्लीज याद रखिए आप लोग ये आपने नहीं लिखा तो आपको एक ही वैल्यू एन का मिलेगा एन के दो वैल्यूज आ सकते हैं क्योंकि ये मैंने फर्स्ट रो कंसीडर किया ये सेकंड रो ये थर्ड रो अगर मैंने ये इसको नीचे लिखा इसको ऊपर लिखा तो भी मेरा वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा लेकिन लेकिन आपका आंसर क्या आ सकता है माइनस बिकॉज वेन टू रोज आर इंटरचेंज द वैल्यू इज वॉट नेगेटिव सो दिस कैन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट कैन बी व्हाट प्लस और माइनस याद रखिए अगर आपने एक ही साइन लिया तो एक ही वैल्यू मिल जाएगा वो भी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कंफ्यूज होते रहेंगे अभी इसको आप एक्सपांड कीजिए बाय डिटर्मिनेंट मेथड आपको पता है प्लस माइनस प्लस इसको एक्सपांड करके एक टाइम लीजिए प्लस सेवन एक टाइम लीजिए क्या माइनस सेवन एंड देन फाइंड वॉट द वॉल्यूम नहीं द वैल्यू ऑफ वॉट एन याद रखिए जब ये वॉल्यूम दिया रहेगा या वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन दिया रहेगा तो दिस कैन बी वॉट मॉड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव सो अंदर वाला कैन बी वॉट आइदर प्लस और माइनस इसके लिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया है यहाँ हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं यहां हम लोग हमेशा प्लस लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द पैरालोलो पाइप दिया है या वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन दिया रहेगा तो वैल्यू कैन बी वॉट बिकॉज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स अंदर वाला कैन बी आइदर प्लस और माइनस दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपांड आप आंसर फाइंड कर लीजिए ये देखिए भैया ये तो एकदम चिंदी प्रॉब्लम है ये जो है नंबर्स इसको हम कॉमन ले सकते हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सिक्स इंटू आई जे के प्लस सिक्स इंटू जे के आई प्लस सिक्स इंटू के आई जे सबके ऊपर बार है बार 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 अभी आपको मैंने बोला है साइकिल में जाइए आई जे के जे के आई के आई जे ये सब साइकिल में है तो सबका वैल्यू वन रहने वाला है प्लस तो ये हो जाएगा सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स टिंग टिंग टी टिंग दिस इज एटीन कैसा आया ढक्कन अरे आई जे के इज इक्वल टू वॉट जे के आई दिस इज इक्वल टू वॉट के आए जे दिस इज इक्वल टू वॉट वन प्लीज रिमेंबर ये अगर उल्टा देते अगर ये के झे आए देते तो इसका वैल्यू कितना आता माइनस वन तो ये हो जाता माइनस सिक्स ठीक है ना तो आंसर वुड बी वॉट सिक्स याद रखिए इसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा हमेशा मैंने ये किया है आई जे के K आई के आई जे अगर ये उल्टा दिया रहेगा तो माइनस ये उल्टा दिया रहेगा तो माइनस ये वाला मैं बात कर रहा हूं ये साइकिल याद रखिए आई जे के जे के आई एन के आई जे ये कुछ भी उल्टा दिया रहेगा प्लीज याद रखिए उल्टा दिया रहेगा तो आप लोगों को साइन चेंज करना है वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जी देखिए इसको मैं आपको दो मेथड्स बता सकता हूँ इसको अगर आपने कंसिडर कर दिया पी बार इसको आपने कंसिडर कर दिया क्यू बार इसको आपने कंसिडर कर दिया आर बार तो हाउ मच विल बी पी बार क्यू बार आर बार अरे भैया मैंने आपको सिखाया है ना डिटर्मिनेंट ऑफ कोइफिशेंट ले भैया वन टू ज़ीरो जीरो वन टू टू जीरो वन इंटू लर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी यह मुझे लगता है इजी मेथड है क्योंकि आपको सिर्फ क्या लेना है तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है एट प्लस वन नाइन सो दिस विल बिकम हाउ मच नाइन ए बार बी बार सी बार प्रॉब्लम है आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट लेना है अगर ये नहीं समझा आपको तो आप बड़ा बड़ा कीजिए ए बार प्लस टू बी बार डॉट बी बार प्लस टू सी बार क्रॉस सी बार प्लस टू ए बार फिर इसको ओपन कीजिए और सॉल्व कीजिए बहुत बड़ा हो जाएगा तो हमेशा बड़ा है तो बेहतर है नहीं रहता है नहीं है और एक प्रॉब्लम देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं वन टू जीरो जीरो नहीं ढक्कन वन जीरो टू वन जीरो टू और जीरो वन जीरो इंटू ए बी सी समझ ओपन करू थर्ड कॉलम ने इधर से किया तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस वन इंटू टू माइनस जीरो टू माइनस जीरो विल बी हाउ मच टू सो दिस विल बिकम हाउ मच बराबर ना अगर देखना भैया जीरो वन जीरो इसको लिया मैंने माइनस वन क्लोज द रो क्लोज द कॉलम दिस विल बिकम टू माइनस जीरो इंटू ए बार बी बार सी बार करेक्ट है यहाँ टू क्यों लिया है मैंने ये वन है भैया देखो छोटी सी गलती डी वाई पाटिल पिंपरी ये वन हो जाएगा ये वन होने से ये भी चेंज हो जाएगा ये कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तो दिस विल बिकम हाउ मच माइनस ऑफ ए बी मतलब माइनस ऑफ ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार माइनस को निकालना है तो इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ ये हो जाएगा ए सी बी

डेफिनेशन ऑफ यू बार इंटू बिटवीन वॉट यू बार एंड वी बार क्रॉस डब्ल्यू बार वॉट इज गिवन यू बार इज यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वन आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू वॉट इज मैग्जिम वैल्यू ऑफ कॉस्थीटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज आल्सो इक्वल टू वन तो आपको सिर्फ फाइंड करना है मैग्निट्यूड ऑफ वी बार क्रॉस डब्ल्यू बार हाउ मच इज वी बार क्रॉस डब्ल्यू बार डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के कितना है टू वन माइनस वन एंड वॉट वन जीरो थ्री वन जीरो थ्री सो दिस विल बिकम हाउ मच थ्री आई माइनस थ्री टू जिक्स सिक्स प्लस वन सेवन जे जीरो माइनस वन माइनस के इसका मैग्नीट्यूड लेना है मैग्नीट्यूड कैसा फाइंड करते हैं ढक्कन स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री स्क्वेयर प्लस सेवन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर टिंग टिंग टिटिंग दिस इज इक्वल टू हाउ मच रूट फिफ्टी नाइन वैल्यू ऑफ कॉस्ट थीटा इज वन अगर मिनिमम पूछा है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट थीटा इज हाउ मच माइनस वन ये तो यूनिट वैक्टर है इसका मैग्निट्यूड इज वन इसका मैग्निट्यूड मेहनत करके फाइंड किया टिंग टिंग टीटिंग, दिस वाज वेक्टर्स, अभी हम थोड़ा सा फटाफट थ्री डी कर लेते हैं इफ अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस देन कॉस्कर अल्फा प्लस कॉस्कर बीटा प्लस कॉस्कर गामा इज 1, साइंस अल्फा प्लस साइंस बीटा प्लस गामा इज टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू minus 1. If theta 1, theta 2, theta 3 are the angles made by the line with the coordinate planes then cos square theta 1 plus cos square theta 2 plus cos square theta 3 is equal to how much? 2. And if a, b, c are direction ratios what are direction cosines? plus or minus a upon root of a square plus b square plus c square plus or minus timber 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 plus or minus timber timber timber. baggar 1, 2, 3 are direction ratios 1 upon root 14, 2 upon root 14, 3 upon root 14 will be what? direction cosines. अभी देखिए क्या है थोड़ा सा बोल बच्चन करता हूं मैं नाउ इफ दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस दिस इज द एंगल एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये अल्फा है ये भी एंगल इज मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस करेक्ट ना एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा सिमिलरली विथ वाई एक्सेस विल बी हाउ मच बीटा यह ऐसा जाएगा और ये कितना, तो कितना बराबर है ना तो एंगल्स आर वॉट अल्फा बीटा गामा एन पाए माइनस अल्फा पाए माइनस बीटा एंड पाए माइनस गामा विच इज माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा एंड माइनस कॉस गामा तो एक लाइन के ओके okay. आपको डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइंस क्या मिल सकते हैं टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइंस अगर ऐसा रहेगा तो प्लस डायरेक्शन ऐसा रहेगा तो व्हाट माइनस एक ही लाइन का पूछा है तो आपको एक ही लेना है ठीक है डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है डायरेक्शन अगर रहेगा मतलब वेक्टर का पूछा है तो दो आएंगे ऊपर एक नीचे एक यह अलग अलग हो जाएंगे एक ही लाइन का पूछा है तो ऊपर वाला और नीचे वाला बिकॉज टू एंगल्स इट विल फॉर्म वॉट टू एंगल्स विद द एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ये है अल्फा ये है हाउ मच पाई माइनस अल्फा एंड इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन बिकॉज डायरेक्शन क्या रहते हैं प्रोपोर्शनल मतलब अगर डायरेक्शन टू फोर सिक्स आया इसको मैं डिवाइड कर दू तो वन टू थ्री जाएगा इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दू तो कितना आ जाएगा नाइन फोर से मल्टीप्लाई कर दू तो कितना आ जाएगा फोर एट ट्वेल्व ऐसा कितना भी कर सकते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज कितने आ जाएंगे इनफाइनाइट डायरेक्शन कोसाइंस कितने आएंगे टू सेट्स ठीक है डिफरेंस याद रखिए प्लीज आगे समझ जाएगा आपको if two points are given how to find direction ratios subtract x1 minus x2 y1 minus y2 z1 minus z2 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 if a vector is given coefficients of i j and k of a vectors are what direction ratios coefficients of i j and k of what unit vector are what direction cosines very, very important angle between any two diagonals of a cube is cos inverse 1 upon 3 or tan inverse 2 root 2 or sin inverse 2 root 2 upon 3. If alpha, beta, gamma, delta are angles made by the line with 4 diagonals of a cube, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is how much? 4 by 3. And sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta is how much?

अगर डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, फॉर्मूला इज़ l1, l2 प्लस m1, m2 प्लस n1, n2. एंगल बिटवीन टू लाइंस रहेगा तो हमेशा कॉस थीटा आता है। इफ़ लाइंस आर परपेंडिकुलर, l1, l2 प्लस m1, m2 प्लस n1, n2 इज़ इक्वल टू हाउ मच? जीरो. एंड इफ़ दे आर परपैरेलल, l1 इक्वल टू l2, m1 इक्वल टू m2, if a x 1 y 1 z 1 and b x 2 y 2 z 2 are two points such that length a b equal to d and direction cosines of a b are element then relation x 2 is how much x 1 plus or minus ld y 1 plus or minus md z 1 plus or minus nd very very important use the formula

अल्फा प्लस कॉसक्वेर बीटा प्लस गामा दिस इज इक्वल टू वन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तो थ्री कॉस इक्वल टू वन तो कॉस इक्वल टू हाउ मच प्लस और माइनस वन अपॉन रूट थ्री तो आपको क्या मिल गया है कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा दिस इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन अपॉन रूट थ्री मतलब प्लस और माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस और माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस और माइनस वन अपॉन रूट थ्री ये कॉम्बिनेशन अगर आपने यूज किया क्या बोल रहे बुड्ढा देखिए ये क्या आएगा आपको रूट थ्री तीनों क्या ले लिया मैंने पॉजिटिव माइनस वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री और लेता हूं मैं वन अपन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री या प्लस लेता हूं ऊपर तो हैं अलग अलग करता हूँ एक सेट हो गया ये आपका दो सेट हो गया ये आपका तीसरा सेट हो गया और ये आपका फोर्थ सेट हो गया ठीक है और इसको ही देखिए मैं आप माइनस से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री देखिए माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री एंड अपॉन तो ये अगर लाइन कंसीडर किया तो प्लस और माइनस मैंने अभी शाइनिंग मारा था इफ यू रिमेंबर ये ये एक लाइन अगर x लिया आपने और इसके बीच में से ये आपने एक लाइन ड्रॉ किया करेक्ट ठीक है ना तो ये जो लाइन है इसका ये डायरेक्शन रेशियो सपोज वन 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 रहेगा या माइनस वन माइनस वन माइनस वन रहेगा तो ये सेम ही लाइन का डायरेक्शन कोसाइन से सॉरी वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री अगर इक्वली इंक्लाइन रहेंगे तो और नीचे वाले का क्या आएगा वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री और नीचे वाले का क्या आएगा माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री करेक्ट ना डायरेक्शंस अगर इफ यू कंसीडर व्हाट डायरेक्शंस यू विल गेट व्हाट टू वेक्टर्स बट इफ यू कंसीडर अ लाइन यही लाइन का ये या ये एक ही काउंट होगा इसलिए ये दोनों का एक काउंट दो काउंट तीन काउंट और चार काउंट सो हाउ मेनी लाइंस इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस हाउ मेनी लाइंस लाइंस आर हाउ मेनी फोर वेक्टर्स कितने आ जाएंगे एट क्योंकि वेक्टर इज व्हाट अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सेस ऐसा करते गए तो चार आपको लाइन्स मिलेगे और वेक्टर्स कितने मिलेगे आपको याद डिफरेंस याद रखिए नंबर ऑफ इक्वली इंक्लाइन टू कोडिनेट एक्सेस नंबर ऑफ लाइन्स फोर नंबर ऑफ वेक्टर्स एट क्यू मैंने एक्सप्लेन करने को ट्राई किया है शायद नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज अक्स मेक्स 45 डिग्रीज विद द एक्स एक्सेस अल्फा इज 45 And equal angles with y and z axis beta is equal to gamma find the sum of this angle. sum of the angle 180 tick karke watt mat laga do problem ki kyunki ye triangle ka nahi hai nahi to fatafat fatafat gahi me kar denge what is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma this is equal to how much 1. ये दोनों dono equal hai to ye ho jayega 2 cos square beta is equal to 1 minus half this is half बिकॉज कॉस फोर्टी फाइव इतना करने को मत लगाओ तो कॉस बीटा विल बिकम हाफ तो आपका बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू हाउ मच सिक्सटी डिग्रीज तो दे आर सम विल बी हाउ मच सिक्सटी प्लस सिक्सटी प्लस फोर्टी फाइव दिस विल बिकम वन सिक्सटी फाइव डिग्रीज गाई में वन एट्टी टिक मत करके आ जाना प्लीज लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा बाय 2, बीटा बाय 2, गामा बाय 2 विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब गामा बाय 2 दिस इज गिवन टू बी 1 हमको फाइंड करना है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा दिस इज इक्वल टू हाउ मच अब फॉर्मूला टू कॉस्क्वेयर अल्फा बाय टू माइनस वन प्लस टू कॉ स्क्वेर बीटा बाय टू माइनस वन प्लस टू कॉ स्क्वेयर गामा बाय टू माइनस वन टू कॉमन लिया तो वो हो जाएगा टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस थ्री टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन

फाइन द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स इज ऑलवेज अलॉन्ग क्रॉस प्रोडक्ट इसके जो आई जे और के कोइफिशंट्स आ जाएंगे ये कितना मिल जाएगा आपको जीरो आई माइनस माइनस सिक्स माइनस टू इट विल बिकम हाउ मच माइनस एट जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड फोर थ्री जर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फोर कितना हो जाएगा सिक्सटीन के सो व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर क्या 0, 8, 16 आप इसको क्या लिख सकते हो 0, 1, 2 आप इसको लिख सकते हो 0, माइनस वन माइनस टू कुछ भी कर सकते हो इसका मल्टीपल 0, 1 और 2 का मल्टीपल और 0, माइनस वन माइनस टू का मल्टीपल आर व्हाट डायरेक्शन रेशियोज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइन इज ऑलवेज अलॉन्ग द

करेक्ट ना अबे 2 अपऑन 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ए कोऑर्डिनेट आपको दिया है 4 1 5 मतलब आपको क्या दिया है x1 y1 z1 आपको लेंथ d दिया है 6 व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी x1 प्लस और माइनस l d y1 प्लस और माइनस m d z1 प्लस और माइनस n d ये यूज कीजिए और आपको मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्� एक्स वन वाई वन सेलेम दिया है डी दिया है जस्ट सब्सटीट्यूट चलिए जी लास्ट प्रॉब्लम करते मुझे मालूम है बहुत बोर हो गया है आप ए बी सी का दिया है इफ द मीडियन थ्रू ए ठीक है भैया ट्राइंगल बना दीजिए मीडियन थ्रू ए ए बी सी मीडियन थ्रू ए ये डी ले लेते मतलब ये हो गया ये तो डी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे माइनस वन प्लस लैमडा अपॉन टू एट अपॉन टू म्यू प्लस टू अपॉन टू करेक्ट ना ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कितने हैं टू थ्री फाइव ए के कोऑर्डिनेट्स पता है डी के कोऑर्डिनेट्स पता है व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ये प्लस लैमडा अपॉन टू माइनस टू थ्री माइनस फोर हो जाएगा माइनस वन थ्री माइनस फोर क्या फोर माइनस थ्री फोर माइनस थ्री हो जाएगा प्लस वन म्यू प्लस टू अपॉन टू माइनस फाइव ढक्कन समझा क्या नहीं एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा माइनस फाइव अपॉन टू वन और ये कितना हो जाएगा म्यू माइनस एट अपॉन टू एल्सियम लिया है दिस आर वॉट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ये डी येडी मेक्स एडी इज वॉट वॉट इज गिवन एडी इज इक्वली इंक्लाइन टू कॉर्डिनेट एक्सेस एडी इज इक्वली इंक्लाइन टू कॉर्डिनेट एक्सेस मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा मंजेज कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा झेप क्या मतलब माइनस फाइव अपॉन टू अपॉन उसका मैग्नीट्यूड वो तो सब जगह सेम रहने वाला है तो कैंसिल कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वॉट डी मैग्नीट्यूड ऑफ वॉट डी करेक्ट ना मैग्नीट्यूड ऑफ वॉट एंड दिस विल बिकम हाउ मच म्यू माइनस एट अपॉन टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ तो ये दोनों को इक्वेट किया मैंने करेक्ट तो लैमड़ा कितना हो जाएगा अबे ढक्कन माइनस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू वन लैमड़ा इज इक्वल टू सेवन करेक्ट ना इसको मैंने इक्वेट कर दिया म्यू माइनस एट अपॉन टू इज इक्वल टू वन तो म्यू इज इक्वल टू हाउ मच टेन टिंग 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 समझा क्या क्या किया है मैंने जस्ट याद रखिए इसमें से जाइए जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला है वो कीजिए यहाँ पे सब्सिट्यूट करके प्लीज प्रॉब्लम कंप्लीट कीजिए थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेंगे लाइंस एंड प्लेन्स ओके थैंक यू बाय बाय